हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू पीपल आर स्टूडेंट्स? 10th B1 क्लास यू आर एंड दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टेकिंग योर ऑनलाइन क्लासेस एंड आई होप द चैप्टर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई. आई थिंक ललित सर हैज़ टेकन योर क्लासेस एंड इन द मंथ ऑफ मार्च और एट द end of the February, Anika ma'am has taught you the English. Class 9th also, Anika ma'am has taught you the English. So now students, from this session, like from this July especially, I will be your English teacher. Clear? अब मैं ही आपको English पढ़ाऊँगी. तो as per जहाँ तक मैंने teachers से concern किया है, आपके जो जो chapters complete करा दिए हैं दोनों teachers ने, हम उन chapters को के आगे पढ़ना शुरू करेंगे. लाइक वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दोज चैप्टर्स अगेन बिकॉज सिलेबस बहुत सारा है और आप बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स हैं तो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि वैसे तो मैं खुद आपसे हिंदी में ही आपको मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में पढ़ाऊँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपकी क्लास में थोड़ा लैंग्वेज का इशू भी होगा. इसीलिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगी, हिंदी में भी पढ़ाऊँगी इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगी आपको चैप्टर्स, ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए. लेकिन स्टूडेंट्स, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे और ये प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले भी आ रही थी और ये प्रॉब्लम अब ना आए, इसलिए मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देती हूँ कि आप लोग सबके सब ईमानदारी से बैठ के आप वीडियोज़ देखेंगे सारे टीचर्स के सब्जेक्ट वाइज. और सारे टीचर्स के मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश के तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप सारे वीडियोस वॉच करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे. और अगर आपको आंसर्स नहीं आते होंगे, और जो भी एक्टिवली वॉच नहीं करता है वीडियोस, उनके फिर पेरेंट्स से बात की जाएंगे. क्लियर? बहुत स्टूडेंट्स हैं आप, आपको बहुत सिंसियरली इन चीज़ों को समझना होगा, बातों पे ध्यान देना होगा कि हमें इस तरह से लाइटली चीज़ों को नहीं लेना है. बहुत इंपॉर्टेंटली सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस हो रहा है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका सेक्शन अब मुझे पढ़ाना है, तो मैं लाइट मूड पे तो आके कुछ नहीं करती हूँ. मैं आई एम एक्सपेक्टिंग, ऐसी उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे कि आपने मई और जून में या फिर अप्रैल और जून में और उससे पहले मार्च और फरवरी में स्कूल में भी आपको कॉपीज़ बनवा दी होंगी टीचर्स ने. आप उन कॉपीज़ में काम कर रहे होंगे, होप सो. बुक्स आप सबके पास अवेलेबल होगी. स्टूडेंट्स देखिए, अप्रैल और मई तक हम ये सोच के चल रहे थे कि शायद जुलाई से स्कूल खुल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी स्कूल के लिए तो अभी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है कहीं से कहीं तक भी कि स्कूल खुलने भी वाला है अभी. तो पहले तो ये था कि बच्चे भी बहुत लाइट मूड होके देख रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था स्कूल खुलेंगे हम तब पढ़ लेंगे. लेकिन क्योंकि आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते, लाइटली नहीं लेना है कुछ भी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम सर पे और उस पर फिर ये पैंडेमिक चल रहा है, COVID-19 चल रहा है. और अगर आप फेस टू फेस पढ़ाना एक अलग होता है क्लास में, हम भी देखते हैं आप सामने हमारे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. लेकिन अब ऐसे हम आपको ऑनलाइन, हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है ऐसे ही पढ़ना. लेकिन ईमानदारी आप जितनी दिखाएंगे आप, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा. तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं आपसे, आप हो सकता है आपकी क्लास टीचर ने आपको बताया ही होगा, टाइम टेबल भी भेजा होगा. तो अभी जुलाई से हम बिल्कुल वैसे ही क्लासेस लेके चल रहे हैं जैसे हम स्कूल में पढ़ाते थे. सुबह 8 बजे से पीरियड वाइज चलता रहेगा और टिल 1:30 बजे तक. तो मेरा लेसन आपको जिस भी टाइम पे मिल रहा है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जब भी आपका लेसन है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप टैली कर लेना. तो मेरे एक दिन में आपके 2 लेसन्स आ रहे हैं क्लास में, B1 में, 10th B1 में. तो पहले वाले लेसन में मैं आपको वीडियो भेजूंगी, उस वीडियो को आपने 2 बार कम से कम देखना है, समझना है उसको. 2 बार देखेंगे और जो भी उस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपने सामने रखेंगे, उस बुक को अपने सामने रखेंगे, जिस चैप्टर को मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस चैप्टर को सामने रखेंगे, पेंसिल हाथ में लेके ईमानदारी से. और जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको फिंगर्स रख के अपने बुक पे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में आपको फिर भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा. और जो दूसरा वाला जो लेसन होगा या दूसरा पीरियड जो होगा सेम डे उसी दिन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या आया समझ में और क्या नहीं आया समझ में. और वो बच्चे जो इंटरेक्शन करेंगे या जो आंसर भेज रहे हैं या जो पूछ रहे हैं, तो मुझे लगेगा हाँ उन्होंने वीडियो देखा है. लेकिन वो बच्चे जो इनएक्टिव रहेंगे,
जो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे उनका तो पता चल ही जाएगा कि वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स वो ना वीडियो वॉच कर रहे हैं, ना उन्हें पढ़ना है और ना वो पढ़ना चाहते हैं. तो उनके फिर पेरेंट्स से बात करेंगे, उनसे कहेंगे आप वैसे भी घर ही बैठे हैं तो टीसी ले लीजिए और घर बैठिए, आप आराम से मत पढ़िए. आप फालतू में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ना उनको है नहीं, तो बेटर होगा कि आप टीसी लेके इनको कहिए अब आप घर ही बैठिए, वैसे भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, आप घर ही बैठिए, आपको ऐसे भी नहीं पढ़ना है तो अब आप ऐसे ही पढ़ लीजिए. तो शिकायत मुझे ना आ जाए दोबारा सुनने में, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए. B1 सेक्शन बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, वैसे भी शैतानी बहुत करते हैं. लास्ट ईयर भी बहुत सारी शिकायतें आई थी क्लास में, और मैं कभी आपको फेस टू फेस ऐसे पढ़ाया नहीं मैंने कभी, क्योंकि अरेंजमेंट में ही आती थी मैं आपके क्लास में, ऐसे में कभी आई नहीं आपको पढ़ाने एज अ सब्जेक्ट टीचर. लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि अब ये सेक्शन मुझे मिला है और ऑनलाइन के थ्रू ही मुझे आपको पढ़ाना है. तो आप ये कोशिश करेंगे आप सबसे पहले कि आप ईमानदारी से सारे के सारे वीडियो ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें. जो आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में तो उसको आप पूछेंगे. ऑनेस्टली यू विल बी आस्किंग मी कि मैम दिस आई एम नॉट गेटिंग और दैट आई एम नॉट गेटिंग और वट एवर इज द कंडीशंस. क्लियर स्टूडेंट्स? शिकायत ना आए मुझे सुनने में. आपके पेरेंट्स के साथ हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, पूछते रहेंगे आपके बारे में, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियस हैं स्टडीज़ में या नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में हम आपसे पूछते रहेंगे. तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम इस तरह के रूटीन में चलते रहेंगे. और कंपैरिजन कोई नहीं करेगा टीचर्स का किसी के साथ भी, कुछ भी नहीं. जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं हम उनको रिपीट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. आगे के जो कमिंग चैप्टर्स है वो मैं अब आपको रेगुलर बेस पे पढ़ाने वाली हूँ. तो आज के वीडियोस में हम कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ कि हम कल क्या पढ़ेंगे. आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जो आपकी मेन बुक है, दैट इज़ योर मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट. हम इसी बुक के साथ शुरू कर रहे हैं. मैंने आपके टीचर ललित ध्यानी सर से पूछा था, तो योर टीचर वॉज टेलिंग मी कि आपके थर्ड 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. एक तो लेटर टू गॉड और उसकी पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है, दूसरा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और तीसरा द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों फिनिश हो चुके हैं. तो अकॉर्डिंगली अब मैं आपको 4th चैप्टर शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. क्लियर? हम यहाँ से कल के वीडियो से हम ये चैप्टर शुरू कर देंगे पढ़ाना. आपको क्या करना है, होमवर्क, प्री होमवर्क आपको क्या करना है कि आपको एडवांस में इसकी रीडिंग करके रखनी है, ये आपका होमवर्क है. हम जब भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आई यूज टू टेल टू स्टूडेंट्स टू हैव अ प्री रीडिंग इन एडवांस. बिफोर रीडिंग में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट थोड़े जाना पहचाना लगता है वो चैप्टर, थोड़ा आप अटैचमेंट फील करते हैं आप उस चैप्टर के साथ. और जब आप अटैच फील करते हैं तो जब आप मैं आपको समरी सुनाऊंगी या स्टोरी सुनाऊंगी या उस चैप्टर के बारे में बताऊंगी तो आप एम्प्टी माइंड लेके नहीं बैठे रहेंगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. और फिर जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे फिर आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हम बाकी क्या जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको दे दी हैं. आई होप आप अच्छे से उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे नंबर लाने की. आगे फिर हम हो सकता है टेस्ट लें आपका ऑनलाइन इसी तरह से. और ओरल टेस्ट तो मैं आपका कभी भी कैसे भी ले सकती हूँ, कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे. तो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप मेरी क्लास में सोएंगे नहीं, अटेंटिव होके रहेंगे और आंसर्स देंगे मुझे, एक्टिव होके वॉच करने हैं वीडियोज़, यानी कि आप सो जाएँ, दैट विल नॉट बी एंटरटेनिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? विद दिस होप आई एम टेकिंग यू लीव फॉर टुडे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे सेफ, स्टे होम, बाय.